Planet Bollywood. सिद्धार्थ आलिया का हुआ ब्रेकअप। आलिया सिद्धार्थ हो गए एक दूसरे से अलग अलग। एक तरफ जहां इन लव बर्ड्स को सेलुलॉइड पर आशिकी 3 करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है, वहीं खबर मिली है कि रियल लाइफ में सिद्धार्थ और आलिया के रिश्तों में आ गई है दरार। सिद्धार्थ और आलिया अब नहीं रहे साथ साथ, इनफैक्ट दोनों काम भी नहीं करेंगे एक साथ। सॉफ्ट ड्रिंक की एड फिल्म में भी इस कपल ने साथ काम करने से इनकार कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि कपूर एंड सन्स में तो आलिया सिद्धार्थ की जोड़ी कमाल कर रही है, फिर अचानक इनके ब्रेकअप की खबर कैसे आ गई? Well, इसका जवाब भी है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अपने इन स्टूडेंट्स को अलग अलग करने का क्रेडिट जाता है करण जौहर को। लेकिन इससे पहले जूम की इस खबर पर आप करें रिएक्ट, जूम आपको इसकी पूरी डिटेल भी दे रहा है, क्योंकि आलिया और सिड अलग तो हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए। दरअसल करण जौहर को लगने लगा था कि एक फेमस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड आलिया सिद्धार्थ के रियल लाइफ लव को अपने ब्रांड की पॉपुलैरिटी के लिए एनकैश कर रहा था। सो करण ने अपने स्टूडेंट्स आलिया और सिद्धार्थ को इस ब्रांड के साथ डील ना करने की हिदायत दे दी। फिर क्या था, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आलिया सिड ने भी करण की बात मानी और एक साथ ब्रांड नहीं साइन किया। लेकिन इन रियल लाइफ ये अब भी हैं एक कपल। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।